खोरत बोठे करो छी हमरा तो बन बरेली अच्छा समझ रहा है, सबसे ज्यादा समझ रहा है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि पूरा मजमा ऐसा हो जाए जी। एक मरतबा बोलती जी सुभान अल्लाह। घोरत बोठे करो छी हमरा तो बंद बरेली, घोरत बोठे करो छी करो छी, घोरत बोठे करो हमरा तो बंद बरेली, और इससे अच्छे शेर और अच्छे कलाम लेकर के मैं आपके बीच हाजिर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मौजा फरमाए के घोर तो बोठे करो छी हमरा तो बंद बरेली, जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आप भी ऐसे कलाम से नवाजेंगे क्योंकि इस जमान के खालिक आप भी हैं जी। मैं हाजिर हूं बाकी अगर बतौर खास मुलाजा फरमाएं के हर छां हर छां हर छां ज़ुल्म से समय छे इंसान मिलो रसीद अमर साहब देखिए जब बतौर खास मुलाजा फरमाए शहजाद भाई देखिए सुरजापुरी जबान में शायरी कैसे की जाती है कहाँ से सीखी है बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए अपने उस्ताद तक भी बात पहुंचा दीजिएगा। शेर एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हर छा ज़ुल्म सितम हो छे इंसान खुदी मिलो छे हर छा ज़ुल्म सितम हो छे इंसान खुदी मिलो छे पढ़ूंगा मारो भाई उस हुक्म है लोगों में एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं भाई सुरजापुर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
के चारों विधि सदुशीर्मन तलवार ने वो सोचे चागरो भीती सदुशीर मन है तलवार ने वो सोचे चागरो भीती सदुशीर मन है तलवार ने वो सोचे देखिए कुछ देर के लिए इस पूरी महफिल को उस आंदोलन का हिस्सा बनाएं जहां लगभग दो महीने से आंदोलन चल रहा है मेरे और आपका हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं चंद शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूं, पढ़ता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। आप लोगों को कहना है मेरे साथ सरकार कहां है, कहेंगे ना भाई, कहेंगे सरकार कहां है। कुछ देर के लिए आप जेके मीडिया के जरिए से हुकूमत हिंद तक बात पहुंचाई जाएगी कि हफनिया के लोग जा चुके हैं वो भी इस आंदोलन के हिस्सा है। कुछ देर के लिए आप अपने आप को समझें, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस मुल्क में अब चैन मेरे यार कहाँ है। देखिए इस मुल्क में अब चैन मेरे यार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। कसम खुदा की मैं ऐसा नहीं पढ़ पाऊंगा, आप मेरे साथ अपने हाथों को हिलाएं और बताएं कि सरकार कहाँ है। सरकार से आप भी सवाल पूछें, मैं हासिल करता हूँ मुलाजा फरमाए। कि इस मुल्क में अब चैन मेरे यार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। कहता था कि इंसाफ किसान को मिलेगा, कहता था कि इंसाफ किसान को मिलेगा और हक सभी नादार बेचारों को मिलेगा। चाहो सजा, चाहो सजा, देखो वो घड़ी पार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। और मुजम्मिल भाई और ये खूबसूरत मंद आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। के एनआर सी को नाकाम हुई तब तक कोई ना कोई मुद्दा ला करके खड़ा कर देती है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। एनआरसी को लेके लहू कितना बहाया, एनआरसी को लेके लहू कितना बहाया, घर बार दुकानों को सरेआम जलाया, घर बार दुकानों को सच का तरफदार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। और आखिरी बंद आपके
खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ मुलाजा फरमाए कि किस्मत के सभी तारे जगह टूट रहे हैं, किस्मत के सभी तारे जगह टूट रहे हैं, इस मुल्क को गद्दारी सभी लूट रहे हैं, इस मुल्क को गद्दारी सभी लूट रहे हैं, ये चंदा ये चंदा पूछती है के चौकीदार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। और ये खूबसूरत सा पैगाम आपके हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि हिंदू मुसलमान को लड़ाते ही रहेंगे, लड़ाते ही रहेंगे और बेटियों को जिंदा जलाते ही रहेंगे, हिंदू वो मुसलमान को लड़ाते ही रहेंगे और बेटियों को जिंदा जलाते ही रहेंगे, इन सारे हाँ तो सौ के जिम्मेदार